वालेकुम सब भाइयों और बहनों को। आज बहुत सारे सेंटर्स हम लोग विजिट करे। आज प्रजा पालना का पहला दिन है, जो बहुत सारी भीड़ आ चुकी थी वहाँ पे। जितने सारे एप्लीकेशंस देने का था आज से खत्म नहीं होते, मगर जो हम लोगों के ऊपर कांग्रेस पार्टी के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए बीजेपी जो देख रहे उसको कंडेम कर रहे। नंबर वन, कंटेस्टेड एमएलए होने के नाते गोशामहल के शैडो एमएलए हूँ, जो हर चीज का ख्याल रखते हुए आज सारे सेंटर्स सारे 6 डिवीजनों में हम फिर के आ रहे। वहां पे बता रहे कि बहुत सारे एप्लीकेशंस नहीं आए, वो गलत बात है। एप्लीकेशंस हम लोग कल से ही आशा वर्कर्स को दे रखे, जो घर घर तक, जो घर से नहीं आ सकते सीनियर सिटीजन होने दो, बुजुर्ग होने दो, ये 6 गारंटी आपके पास लाने के लिए सीएम साहब ने, रेवंत रेड्डी जी ने जो ये 6 गारंटीज का स्कीम्स का जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपको घर घर पहुंचा दिया जा रहा है। थोड़ा सबर की जरूरत है अपने को, क्यों बोले तो 9.5 साल किसी को रेशन कार्ड नहीं था, कोई इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनाए, कोई अपडेशन ऑफ आधार कार्ड नहीं करे, ऐसे ऐसे मुद्दे हैं जो पब्लिक को नहीं मालूम था। इमीडिएटली बोले तो सब चीज नहीं होती, मगर ये 6 दिन से खत्म नहीं होता जो हम लोग लॉन्च करे। जीएचएमसी ऑफिशियल्स का यहाँ पे थोड़ी सी हम लोगों को गलत दिखी कि जितने सारे एप्लीकेशन रहना था उसे उतना एप्लीकेशन नहीं रखे हुए। उन लोग बता रहे कि आशा वर्कर्स के साथ में हम घर भेजे बोलते, उन लोग बता रहे कि पब्लिक बता रहे कि हम लोगों के पास नहीं आया। तो हम लोग एक ही गुजारिश करते पब्लिक से, ये 6 गारंटीज को आपको आना जरूरी है, और आते जो बिलो पॉवर्टी लाइन पे है जो आम जनता के लिए ये रखे, जिनको जिनको पेंशन है उन लोग फिर ये एप्लीकेशन आप नहीं लगाना, आपको पेंशन नहीं आती। क्यों बोले तो कैसे भी इसके ऊपर घर घर को आके वेरिफिकेशन तो चालू है, इसके साथ साथ में आप लोगों को सब पूछे जाएगा आपका इनकम क्या है, और 200 यूनिट्स के अंदर जो खर्चा करते उनको ही चाहिए 200 यूनिट्स का गृह ज्योति का स्कीम अप्लीकेबल रहता। सो चेंज चीजें ऐसे चीज है आप लोग अप्लाई कर सकते, जो चीज आती नहीं आती, जो देना नहीं देना सरकार के हिसाब से उन लोग आपको फाइनल करके बता देंगे। मगर इतने सारे भीड़ आके एक दूसरे को मार लेके एप्लीकेशन के लिए ये गड़बड़ नहीं करना। बहुत सारे दिन बहुत सारे टाइम है, ये 6 दिन से खत्म नहीं होता, आने वाले कल में भी आपको ये सब मिलेगा। मगर आधार का अपडेशन और रेशन कार्ड का पहले एपी में, एपी और तेलंगाना सेपरेट सेपरेट नहीं था, तो जब एपी का भी बहुत सारे रेशन कार्ड है उनको अपडेट करना जरूरी है। सो मैंडेट हो गया तेलंगाना के हर एक जने को आधार कार्ड रहना, आधार कार्ड है तो बस है। इसके साथ में जो 2500 मांग रहे, जो हम लोग स्कीम्स लगाए महालक्ष्मी के नीचे, उनका इनकम सर्टिफिकेट भी हम लोग जरूरत है बोल के बोले, ताकि सबको ये चीज पहुंचना बोले है। उनको नहीं आती, जिनको नहीं है उन लोगों को हम लोग गरीब लोगों को देने की आशा रखते हैं। और हम लोग सभी बहनों से भाइयों से फिर एक बार गुजारिश करें, बहुत टाइम है, गड़बड़ मत करो, आज से खत्म नहीं होता। आज हम पूरे 6 डिवीजन्स में जो फिर के एक एक बेल्ट में गए, अबे थोड़ा तो सबर चाहिए। ऑफिशियल्स भी उतने सारे एप्लीकेशंस वहां पे क्यों नहीं लगाए बोले तो एक बात है, आशा वर्कर्स को एक दिन पहले दे दिए जो आपके डोर टू डोर कैंपेनिंग आ रहे। और रहा राजा सिंह की बात, राजा सिंह ने बता रहे कि 3000 एप्लीकेशन डालना था, 2000 एप्लीकेशन डालना था, ये गलत बात है। राजा सिंह जी आप एक बार बाहर आना चाहिए, आप एक बार पब्लिक को देखिए, आप यहाँ के एमएलए हैं, आप तो कभी ये नहीं देखते कि क्या पब्लिक को चाहिए क्या पब्लिक को नहीं चाहिए, 9 साल की डेवलपमेंट क्या है आपका देखे। मगर इस हिसाब से एक हिंदुत्व का नारा लेके आप जीते, मगर अब तो पब्लिक का ख्याल करो, बाहर आइए, एप्लीकेशन अवेलेबल है, डोर टू डोर आ रहे, आधार कार्ड उन लोगों को रेडी रखने के लिए भी हम लोग बोले, ऐसे जो है आप एक मीटिंग्स लगा के आम जनता ने की खिदमत करने के लिए आप बाहर आ गए तो अच्छा है। एप्लीकेशन अवेलेबल है हर जगह, गोशामहल में कंटेस्टेड कैंडिडेट हूँ, शाडो एमएलए हूँ, मैं हर जगह जाके आज देख के आए, जहाँ पे नहीं है डिप्यूटी कमिश्नर जी को भी बोल के मैंने बुला के वहाँ पे डिप्यूटी तहसीलदार के हाथ से ये एप्लीकेशन फिल करके देने लगा दे रहे। आप ये गलत फहमी मत फैलाइए कि एप्लीकेशन नहीं है, एप्लीकेशन बराबर है, और सीएम साहब ने हर जगह पहुंचाने की जिम्मेदारी ले रखे। और बहनों से गुजारिश, आप घर में बैठिए आपका एप्लीकेशन आ जाएंगे, और आप ये नको समझो ये आज लास्ट डेट है, आने वाले कल में भी चलेंगे इंशाल्लाह,
सब फिल करके आराम से आके दे दीजिए, गड़बड़ मत कर लीजिए, एक दूसरे के ऊपर मत गिरिए, चोट पहुंचाने के चक्कर में आप दो तीन लोगों जल्दी जल्दी करना वो करना। एवरी डे आप सुबह भी लंच टाइम छोड़ के 12 to 2 छोड़ के 2 to 6 भी वहां पे बैठ रहे ऑफिशियल्स, जरा थोड़ा सबर रखे आप छह लोग बोल के मेरी गुजारिश है।